नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस की टीच में। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो 12th का टाइम टेबल आया था उसे एक बार दोबारा से संशोधित किया गया है। तो अगर आपने वो वाला टाइम टेबल नहीं देखा तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसमें मैथ वालों के साइंस वाले स्टूडेंट उनके लिए टाइम टेबल चेंज किया गया। तो कौन से सब्जेक्ट को अदर वाला किया गया है, टाइम डेट वही रहेगी लेकिन आपके सब्जेक्ट को चेंज किया गया। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो आप बात करते हैं, आप टाइम टेबल जारी कर दिए लेकिन सेंटर एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको सभी को पता है कोरोना वायरस की वजह से अगर आप जिस जगह हो आप उसी जगह पर पेपर दोगे, तो इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर को चेंज करना होगा। क्योंकि आप पहले वर्तमान में जिस जगह पर आपका स्कूल का नाम था उस जगह आप नहीं, आप अभी वर्तमान में दूसरी जगह हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम सेंटर को चेंज करना होगा। एग्जाम सेंटर को आप किस प्रकार से चेंज कर पाएंगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या पूरी प्रोसेस। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट 28 है, यानी कि अभी आपके पास दो दिन बचे हुए हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना होगा MPBSE MP ऑनलाइन। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे MPBSE ऑनलाइन तो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप MP ऑनलाइन की यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाती है। जैसे ही आप खुल जाएगी वेबसाइट को, आप नीचे इंटरफेस आपको कुछ सामने इस तरीके से सो हो जाएगा। तो आपको इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड दिखेगा, डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है, इस पर टिक लगा देना है। जैसे आप टिक लगाएंगे ये डेस्कटॉप मोड पर खुल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव लिंक्स आपको दिख जाएंगे, तो एग्जामिनेशन एनरोल फॉर्म्स पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने नज़र आ जाता है। ठीक है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको 3 पट्टियाँ दिख रही हैं, 2019, एक पहली वाली है मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2019-20। ठीक है, दूसरी है मुख्य परीक्षा जिला परिवर्तन अनुरोध प्रवेश पत्र, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी लास्ट डेट 25 मई से स्टार्ट हुआ था और इस लास्ट डेट 28 मई है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो मुख्य परीक्षा जिला परिवर्तन अनुरोध डुप्लीकेट रसीद आप यहां से, अगर आप रसीद प्राप्त कर इसके बाद आप यहां पर फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर रसीद प्राप्त हो जाएगी। तो आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना होगा। आपको जिला बदलना है तो आपको सबसे पहले रोल नंबर डालना होगा, इसके बाद आपको कैप्चा यहाँ पर इसे ऐड करके कैप्चा पर यहाँ पर आंसर डाल देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फिल हो जाएगा, इसके बाद आपको रसीद वहाँ से निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी रोल नंबर नहीं, इसकी वजह से मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बता सकता। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्होंने अभी तक ये अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दें, क्योंकि एग्जाम सेंटर चेंज होंगे तभी आपके पेपर होंगे। अगर एग्जाम सेंटर जैसे ही आपके चेंज हो जाते हैं तो आप रसीद वहाँ से डुप्लीकेट रसीद प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।